मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि ये टॉपिक आपके साथ में शेयर करूँ। आपने कभी ना कभी ये प्रॉब्लम फेस की होगी, तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। महिंद्रा ट्रैक्टर हाइड्रोलिक ओल्ड मॉडल जो कि सबसे ज़्यादा तोहफा आपको इसी में देखने मिलेगी, तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि हाइड्रोलिक को रिपेयर कराने के बाद भी यदि प्रॉब्लम हमारी सॉल्व तो नहीं हुई है, तब उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं। जैसा कि इस हाइड्रोलिक है, तो ये सभी डाउट जो है ये आज हम क्लियर करने वाले हैं, और आपको जो भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम जानेंगे कि हाइड्रोलिक जो है स्लो मोशन में वर्क करने लगता है, तो इसका क्या रीज़न हो सकता है। और कभी कभी होता जाए कि हाइड्रोलिक में छोटी से छोटी मिस्टेक भी बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तो सभी डाउट जो है स्टेप बाय स्टेप आज हम जानेंगे। तो यदि आप जैसे खेत पर है इंप्लीमेंट के साथ ट्रैक्टर का यूज़ करता है और हाइड्रोलिक अचानक से आपका जो है स्लो वर्किंग करता है, तब उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले आपको ऑयल गेज चेक करना है, इसका स्पीड फ्लो कंट्रोल पिस्टन चेक करेंगे, और इसके बाद ये दोनों चीज़ सही है अगर, तो उसके बाद आप इसका हाइड्रोलिक पंप प्रेशर चेक करेंगे, क्योंकि ये तीन चीज़ हैं जो हमारे हाइड्रोलिक को स्लो वर्क कराती है। यदि ये तीनों चीज़ सही हैं, तब उसके बाद हम क्या करते हैं। तीनों चीज़ चेक करने के बाद मैकेनिक से रिपेयर कराने के बाद भी यदि आपका हाइड्रोलिक प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं हुआ है, तब उस कंडीशन में हम इसका हेड ब्लेड जो है ये चेंज करेंगे, क्योंकि जितने भी ऑयल सर्किट है प्लेट में कहीं ना कहीं ऑयल प्रेशर जो है वीक होने लगता है, तब उस कंडीशन में हमारा हाइड्रोलिक जो है स्लो वर्किंग काम करने लगता है। एक्स्ट्रा रेस देने पर भी, आरपीएम बढ़ाने पर भी हमारा जो हाइड्रोलिक है रेस लेने के बाद भी स्लो में ही काम करता है, तब उस कंडीशन में इसका हम हेड प्लेट चेंज करेंगे। और हेड प्लेट चेंज करने का प्रोसेस क्या है आप ये भी जानेंगे, और इसका हेड प्लेट चेंज करने के बाद आपका जो प्रॉब्लम है 110% सॉल्व होने वाला है। तो ये आप नया हेड प्लेट आप देख रहे हैं जो कि हम इसमें फिट करने वाले हैं। तो ये आप हाइड्रोलिक देख रहे हैं, इसका हेड प्लेट खोला हुआ है, ये है, ये इसका ओल्ड पुराना वाला जो हेड प्लेट है ये है, इसका सारा स्पेयर पार्ट जो है इसमें हम फिट करने वाले हैं, जो कि आज आप देखेंगे। ये सारा स्पेयर पार्ट इसमें हम फिट करने वाले हैं। ये आप इसका स्प्रिंग देख रहे हैं, स्प्रिंग के बाद स्पीड फ्लो कंट्रोल पिस्टन जो है, ये पिस्टन इस तरह से फिट की जाती है। इसके फंसने से कभी कभी हमारा हाइड्रोलिक जो है स्लो वर्किंग करता है, तो इसको हमें सबसे पहले चेक करना है। फ्लो कंट्रोल के बाद ये स्पेसर है, स्पेसर डालने के बाद इसका ये जो प्लग है होल्डर, ये इसको इस तरह से लगा दिया जाता है। आइसोलेटिंग वॉल है, उसको भी फिक्स करेंगे, उसका फिक्स करने का थोड़ा सा यूनिक तरीका है, तो वो आज आप देखेंगे। उसको जब फिक्स किया जाता है तो किस तरह से फिक्स किया जाता है। और ये जो हेड प्लेट है ये ओल्ड मॉडल है, तो न्यू मॉडल और ओल्ड मॉडल हेड प्लेट में कन्फ्यूज़न ये हो जाता है कि जब हम मार्केट में लेने जाते हैं तो इनको पहचान करने में हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, तो उसका आप ध्यान रखें।
ओल्ड मॉडल में ओल्ड मॉडल का ही हेड प्लेट फिट होगा और न्यू मॉडल में न्यू मॉडल का ही वो हेड प्लेट फिट होगा। ये आप इसका आइसोलेटिंग वॉल देख रहे हैं, ये कुछ इस तरह से फिक्स किया जाता है क्योंकि इसमें जो पीतल बस होता है उसको साथ में फिक्स करना होता है ताकि वो आइसोलेटिंग वॉल के साथ अच्छे से हेड प्लेट में बैठ सके। इसके बाद हम इसके जो ओरिंग है ओरिंग भी इसके फिट करने के बाद इसको हम हाइड्रोलिक में फिट करेंगे। मेन ऑयल सर्किट जो है हेड प्लेट में ही होता है, ऑयल सर्कुलेट यहीं से होता है तो यहीं से हमारा ऑयल प्रेशर जो है लीक होने लगता है कहीं ना कहीं, तो इस वजह से ये हेड प्लेट डैमेज हो जाती है जिसके कारण हमें इसे चेंज करना होता है। जो मैंने आपको पॉइंट बताए हुए थे तो उनको चेक करने के बाद आप ये डिसाइड करें कि हेड प्लेट हमें चेंज करना है, वरना कभी कभी होता क्या है कि हम हेड प्लेट चेंज कर देते हैं और जो छोटी छोटी मिस्टेक हैं वो हम चेक नहीं करते हैं। तो हेड प्लेट चेंज करने के पहले हम जो छोटी छोटी सी मिस्टेक हैं जो मैंने 3 पॉइंट आपको बताए हुए हैं तो वो चेक करें पहले, उसके बाद आप हेड प्लेट चेंज करने का डिसीजन ले सकते हैं। ये कंप्लीट हो चुका है, इसके ओरिंग हैं सारे अच्छी तरह से फिट किए हुए हैं। इसके बाद हम हेड प्लेट जो है डिस्ट्रीब्यूटर में फिट करने वाले हैं और इसको फिट करने पर हमें इसका स्प्रिंग का हमें ध्यान रखना है। ये जैसा कि आप देख रहे हैं स्प्रिंग का हमें ध्यान रखना है, स्प्रिंग सही तरीके से इसका फिट हो सके, केवल स्प्रिंग का ही हमें ध्यान रखना है अच्छे से। तो ये टॉपिक जो है मैं आपके साथ शेयर करने वाला था क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम यही होती है कि रिपेयर कराने के बाद हमारा जो हाइड्रोलिक है स्लो वर्किंग करने लगता है, तो उसका रीज़न यही है जो कि मैंने आपको बताया हुआ है, डिस्क्रिप्शन सारा आपने देख ही लिया होगा। तो यही चीज़ होती है और इसके अलावा आपको कोई और डाउट हो तो आप मुझसे कंसल्ट ज़रूर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के थ्रू। ये कंप्लीट हो चुका है, अब इसकी हम फिटिंग करा देंगे और इसका जो प्रॉब्लम था ये सॉल्व हो चुका है। तो जैसा कि आपने अभी देखा हेड प्लेट को चेंज करने का प्रोसेस किस तरह से चेंज की जाती है, इसके बाद हम उसकी फिटिंग करा देंगे। इसमें जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। मेन अपना कॉइल प्रेशर जनरेट करने का जो भी है हेड प्लेट में ही होता है और आपको कभी भी ऐसी प्रॉब्लम देखने मिले या फेस करें तो आपको ये जो 3 पॉइंट मैंने बताए थे नीचे आपको चेक करना है, इसके बाद आप मैकेनिक से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।